हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं 10 फरवरी के दैनिक रोजगार समाचार। तो खंड शिक्षा अधिकारी का परिणाम जब सामने आया तो उसमें भी और साथ ही साथ MRC के नाम पर शिक्षक भर्ती और अन्य कई भर्तियों में समुचित आरक्षण लागू न होने के विरोध में सरोरी दुर्गा पार्क में मंगलवार को बैठक हुई है। छात्रों ने लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद को भरने पर गहरी नाराजगी जताई है। आरक्षण बचाओ मोर्चा के सदस्य प्रमोद मौर्य, सुनील मौर्य आदि तमाम छात्र और इन लोगों ने छात्रों से जनसंपर्क बढ़ाकर सड़क पर लड़ने के साथ साथ न्यायालय में लड़ाई को मजबूत करने की योजना भी बनाई है। और फ्रेंड्स, अगली खबर यहां पर यह है कि संक्रमण होने पर नहीं होगी स्कूल की जिम्मेदारी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत ही लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में सभी जो विद्यालय हैं वो खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बच्चा संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात को लेकर थोड़ा सा आंतरिक विरोध भी चल रहा है। स्कूलों का यह कहना है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की ओर से जो सहमति पत्र है उसको लेकर आएं। वहीं पर माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि संक्रमण हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल प्रधानाचार्यों ने 6 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों को जो सहमति पत्र भेजा है उसमें साफ लिखा है कि संक्रमण होने पर स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होगी। विद्यालय में बच्चों को भेजना या न भेजना अभिभावक की मर्जी पर है। बच्चे को स्कूल भेजते समय तय कर लें कि उसने COVID-19 से संक्रमित होने संबंधी कोई लक्षण, जैसे शरीर का तापमान 100 डिग्री फारेनहाइट से अधिक न होना, सांस लेने में दिक्कत, स्वाद का अभाव, खांसी जुकाम आदि का कोई लक्षण विद्यमान नहीं है। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा आंतरिक विरोध भी है, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक न्यूज क्लिप इससे भी संबंधित है कि आज से खुलेंगे 6 से 8 कक्षा तक के स्कूल। सहमति पत्र पर यहाँ पर तकरार बताई जा रही है। तो यहाँ पर डर कायम है कि कहीं एक बच्चा भी संक्रमित हुआ तो क्या होगा। अभिभावक भी स्कूल की ओर से भेजे गए सहमति पत्र में लिखी बातों से सहमत नहीं हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब सारी जिम्मेदारी हमारी ही है तो स्कूल और प्रशासन क्या करेगा। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति में है। और जो अगली खबर फ्रेंड्स वो ये है कि प्रवक्ता GIC का साक्षात्कार, ये 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेजों में सीधी भर्ती के अंतर्गत प्रवक्ता महिला शाखा का साक्षात्कार 17 से 19 फरवरी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होगा। अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उर्दू, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, हिंदी विषयों की भर्ती के लिए आयोग ने 2016-17 में विज्ञापन जारी किया था। विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पहले इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होनी थी, अब नियमावली में संशोधन करके केवल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही भर्ती का प्रावधान किया गया है। वहीं पर यहां पर 21 मार्च को विधिक्षण अधिकारी परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा होनी है 21 मार्च को। तो जो लोग इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग इस समय वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आ सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर भी आपको सिलेबस शेयर कर दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा पर छूट के खिलाफ केंद्र। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए क्योंकि COVID-19 एक साधारण स्थिति की बीमारी नहीं थी। तो फिलहाल इस पर केंद्र ने शीर्ष न्यायालय को यह बताया कि वह गत वर्ष कोरोना के कारण आखिरी प्रयास में परीक्षा में शामिल न हो सके छात्रों समेत अभ्यर्थियों को उम्र सीमा पर एक बार फिर छूट देने के खिलाफ है। ऐसे छात्रों को इस वर्ष एक मौका देने से दूसरे अभ्यर्थियों से भेदभाव होगा। जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि शुरुआत में सरकार अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं थी और उसने पीठ के सुझाव पर ऐसा किया। यह ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें आप अंतिम समय में तैयारी करते हैं, लोग वर्षों तक इसके लिए तैयारी करते हैं। केंद्र ने 5 फरवरी को कहा था कि वह UPSC सिविल सेवा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार की राहत के तौर पर अतिरिक्त मौका देने पर सहमत है जिनका महामारी के बीच 2020 की परीक्षा में अंतिम प्रयास था और उनकी आयु समाप्त नहीं हुई है। चलते हैं फ्रेंड्स अगली खबर पे। तो खबर यहाँ पर यह है कि GIC की स्मार्ट क्लास में चलेगी कोचिंग। अब बात यहाँ पर हो रही है अभ्युदय योजना के बारे में। तो अभ्युदय योजना एक कोचिंग योजना है जिसमें निर्धन और गरीब वर्ग के लोग सिविल सेवा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। 16 फरवरी से कक्षाएं संचालित होने जा रही हैं। पोर्टल पर प्रौद्योगिकी छात्र आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा हम इसकी जानकारी आपको तुरंत अपने चैनल पर देंगे और सारी प्रक्रियाओं से आपको अवगत भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सूचना ये है कि यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई करवाई जाएगी और अभ्युदय योजना के लिए अंतर्गत जो कोचिंग क्लास है उसके लिए राजकीय इंटर कॉलेज का चयन किया गया है प्रयागराज में। कॉलेज में स्मार्ट क्लासेज हैं इसलिए इसका चयन किया गया है। कक्षाएं 16 से चलेंगी। पात्र प्रतियोगी बृहस्पतिवार से पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण कराने वालों को ही कोचिंग में दाखिला मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो योजना है वो मंडलों पर चल रही है, ठीक है, बहुत जल्दी इसे जिलों पर भी लागू किया जाएगा। और इसमें जो है सिविल सेवा के साथ साथ यानी कि UPPSC UPSC के साथ साथ अन्य UP SSSC और नीट और JEE परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। और अब महिला अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग में अटकी खबर निकल के आ रही है LT GATE से संबंधित कि LT GATE की समस्त फाइलें निदेशालय को भेज दी गई हैं जहां से अभ्यर्थियों को अब कॉलेज आवंटित होगा यानी कि उनको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत महिलाओं की जो फाइलें हैं वो नहीं भेजी गई हैं। हालांकि सूचना ये मिल रही है कि ये फाइलें भी नियर अबाउट रेडी हैं और बहुत जल्दी इसे जो है निदेशालय को भेज दिया जाएगा। 5 फरवरी को पुरुष वर्ग के 787 अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय को भेजी गई थी और कुछ दिन पूर्व हिंदी महिला और पुरुष वर्ग की फाइलें भी निदेशालय को भेज दी गई थी। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि पुरुष और महिला वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें एक साथ निदेशालय जाएंगी, लेकिन इस बारे में आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग की फाइलें भी लगभग तैयार हैं, जल्द निदेशालय को भेज दी जाएंगी। तो ये खबर निकल के आ रही है। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। इन प्रमुख परीक्षाओं में विधीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि 21 मार्च को है, आयोग ने विधीक्षण अधिकारी के लिए एक पद की भर्ती निकाली है जिसके लिए 5,156 आवेदन हुए हैं। मंगलवार को आयोग ने परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और इस पद के लिए 21 मार्च को परीक्षा करवाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि विधीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में 300 अंक के लिए 120 प्रश्न आएंगे। इसमें 80 विधि के और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। 2 घंटे में पेपर हल करना होगा। और दोस्तों बात करेंगे TGT PGT 2020 विज्ञापन के बारे में, तो इसका एक लंबा इंतजार अभ्यर्थियों ने किया है लेकिन अभी भी ये बात निकल के सामने नहीं आ पा रही है कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक दैट इज PGT और TGT की भर्ती लेकर करीब 3 माह से इंतजार कर रहे प्रतियोगियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व दिए जाने से भी उनकी चिंता बढ़ गई है। चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में 15,508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया था लेकिन 1 माह बाद 18 नवंबर को विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। कहा गया था कि विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होगा संशोधन करके, लेकिन 3 माह तक बीत गए हैं और अभी तक इसकी कोई खास न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ रही है और प्रतियोगी जो हैं वो खासे आहत हैं। प्रतियोगी मोर्चा ने इसे लेकर 11 बिंदुओं पर आवेदन तैयार करके चयन बोर्ड को रिसीव कराया है। इन्हीं मुद्दों पर 12 फरवरी को चयन बोर्ड अध्यक्ष से उनकी वार्ता होनी है। पहला बिंदु संशोधित विज्ञापन जारी करने को लेकर है। वहीं पर युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की है। TGT अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान 2016 की लिखित परीक्षा कराने का भी अनुरोध किया है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को ये सूचना दे दें कि UPPSC UP SSSC और तमाम शिक्षक भर्तियां जैसे कि GIC जूनियर और प्राथमिक की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, इसके अलावा जो अन्य भर्तियां हैं सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास इस चैनल पर रोज सुबह मॉर्निंग में 5 बजे लगाई जाती है जिसमें आपके लिए दिन के सबसे अच्छे करंट अफेयर्स साथ ही साथ बैक हिस्ट्री यानी कि करंट अफेयर रिविजन और स्टेटिक GK के प्रश्नों को भी आपके लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों आपका मंथली जो रिविजन है वो भी करवाया जाता है और पूरे महीने की PDF भी आपको दी जाती है। तो अगर आप जनवरी और दिसंबर की जो PDF तैयार हो चुकी है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे पढ़िए जरूर, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष UP SSSC में 50,000 से अधिक भर्ती आने वाली हैं। UPPSS की परीक्षा 13 जून को है और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा ये 1 अगस्त को होने जा रही है। सभी लोग तैयार रहिए, हम आपके लिए एक अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।